और एक गाइस, सो हमने अपने पिछले वीडियो में क्या किया था, एक अकाउंट बनाया था और हमने एक सर्वर अपना रिजर्व किया था इंटरनेट पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या कि एक इस आईपी एड्रेस का सर्वर बना लिया था और आप लोगों को मैंने बॉडी डिटेल में बताया कि सर्वर क्या होता है, वीपीएस क्या होता है, क्या ऑप्शंस है वेबसाइट को होस्ट करने के, और मेरे हिसाब से एक बिगिनर के लिए सबसे सही यही है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर ये जो मेरी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट की, इसको मैं खोलूँगा और उसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अपना पहला वीपीएस आप लोग कैसे बनाए। और वीपीएस की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और ये होता है एक सर्वर ऑन द क्लाउड। जिस तरह से आपका एक कंप्यूटर है, उसमें आप उबंटू अगर डालते हो तो वो आपका बड़े आराम से काम करेगा, उसी तरह क्या होता है कि जैसे मान लो आपने अगर एक कंप्यूटर में जो कि आपका क्लाउड पे रखा हुआ है कंप्यूटर, उसमें उबंटू डाला, तो आप उस मशीन को यूज़ कर सकते हो अपने यूज़र्स को अपनी वेबसाइट सर्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक बेटर तरीका क्या है अगर हम लोग चाहते हैं इस सर्वर में लॉग इन करने का। ठीक है, तो अगर आप लोग लॉग इन करना चाहते हो तो आप लोग SSH का इस्तेमाल कर सकते हो, और SSH क्या चीज़ होती है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पट्टी इंस्टॉल, तो पट्टी क्या है मैं आप लोगों को पट्टी के बारे में बताता हूँ क्या है। तो पट्टी एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आप लोगों को एक SSH क्लाइंट है जो कि मदद करता है आप लोगों को इस कंप्यूटर के टर्मिनल तक पहुँचने की। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि यार अरे भाई, यहाँ पर हमने एक्सेस कंसोल किया तो सही था, यहाँ से चल तो रहा था पूरा कंप्यूटर। हाँ बिल्कुल, आप लोग इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो कंसोल है सिर्फ आपको डिजिटल ओशन देती है। पहली चीज़ तो ये कि आपको सिर्फ ये डिजिटल ओशन देती है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मिलेगा हर किसी उसके साथ, लेकिन मोस्टली AWS वगैरह भी देते हैं इस तरह का कंसोल, एक वेब बेस्ड कंसोल। लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप IP एड्रेस और पासवर्ड से भी लॉगिन करना सीख जाओ, क्योंकि कभी कभी अगर आप लोगों को ये कंसोल नहीं मिला, ये कंसोल एक एड ऑन है, ये कंसोल एक मस्ट नहीं है। अगर आपको किसी ने सर्वर देना है तो आप लोगों को सिर्फ एक यूज़र बना के IP एड्रेस सर्वर की और पासवर्ड देगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सर्वर से लॉगिन करना है उस IP एड्रेस और पासवर्ड की मदद से, तो आप लोग SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करोगे और उसके लिए आप लोग पट्टी को इंस्टॉल करोगे। तो पट्टी को आप लोग यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, और जो भी आपका सिस्टम है 32-बिट विंडोज़ में तो आप 32-बिट कर लेना, नहीं तो 64-बिट में तो 64-बिट कर लेना, और आप लोग जो है चला के देख लेना। अब कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि 64-बिट मशीन वाला चलता नहीं है 64-बिट मशीन में, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, बट आप लोग अगर 32-बिट भी इंस्टॉल करोगे तो काम चल जाता है। एक बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है नहीं है। आप लोग सिंपली इसको यूज़ करो SSH के थ्रू कनेक्ट करने के लिए अपने सर्वर से। ठीक है, तो इसको एक बार आप इंस्टॉल कर लोगे, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बाय द वे, मैं बता दूं आप लोगों को, एक बार इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोग यहाँ पर सर्च करना पट्टी। ठीक है, तो एक बार आपका जो पट्टी है वो खुल जाता है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अपना IP एड्रेस डालूंगा सबसे पहले। मेरा IP एड्रेस यहाँ पर मैं क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ, मैंने किया कॉपी, यहाँ पर मैं डालूंगा IP एड्रेस अपना, पेस्ट करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप ट्रस्ट करते हैं इसको, तो सिक्योरिटी अलर्ट को येस कर दो, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम लॉग इन करेंगे एज रूट, और पासवर्ड इसका जो मैंने रखा था पहले वो मैंने डाल दिया है, और मैं लॉग इन कर चुका हूँ उसमें अपने इस कंसोल से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर इसकी सेटिंग्स होती हैं जो कि आप लोगों को शायद इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा करने में हेल्प करें, तो वो सब चीज़ आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पर अभी ढूंढ रहा हूँ कि किस तरह से मैं इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो आई होप कि बहुत बड़ा नहीं होगा। हाँ 20 सही है, क्योंकि आप लोगों को दिखना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ पर आराम से मैं यूज़ कर सकता हूँ, ls लिख सकता हूँ, pwd लिख सकता हूँ, कुछ लिनक्स के कमांड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब हम लोगों ने अभी क्या किया है ना कि एक उबंटू बेस्ड कंप्यूटर में है हम, तो आप ये मत समझना कि ये सब आपके कंप्यूटर में हो रहा है। इस बात को समझने की आप लोग कोशिश करो कि एक सर्वर हमने बनाया हैरी साइट के नाम से, और वो जो सर्वर है हमारा वो क्या कर रहा है, वो सर्वर हमारा वेबसाइट को खड़ी करने में मदद करेगा। यानी कि उस सर्वर में, उस कंप्यूटर में हम अपनी फाइल्स रखेंगे, और वो कंप्यूटर जो कि इस IP एड्रेस में है वो सर्व करेगा हमारे यूज़र्स को। ठीक है, तो ये बात आप समझना। हमने क्या किया है कि इस कंप्यूटर से कनेक्ट किया है अपने इस पट्टी की मदद से।
ठीक है। तो ये बात जो है बहुत देर में लोगों को समझ में आती है, और इसलिए मैं इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मतलब बार बार इस बात की रट लगा रहा हूँ कि ये जो हैरी साइट है ये कंप्यूटर रखा हुआ है कहीं क्लाउड पे। क्लाउड का क्या मतलब है? क्लाउड का मतलब बादल नहीं है, क्लाउड का मतलब है कि किसी ने अपना डेटा सेंटर बना रखा है जहाँ पर उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है, जो कि मैंने आप लोग को इस वाले वीडियो में बताया था, होस्टिंग का जो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। तो उसने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने आपको एक छोटी सी जगह दे रखी है, उस जगह को आप कनेक्ट कर रहे हो। तो उसने आपका एक कंप्यूटर बना दिया, उसने कहा कि भाई आपका कंप्यूटर 1 GB रैम है आपके पास, आपके पास जो है 20 GB की हार्ड डिस्क की स्पेस है, और ये आपको जो है बैंडविथ मिली हुई है, आप इसको यूज़ कर लो कंप्यूटर को। तो मैंने उस कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, उस कंप्यूटर को मैं अब यूज़ कर सकता हूँ। और उस कंप्यूटर में कौन सा OS इंस्टॉल्ड है? उसमें लिनक्स इंस्टॉल्ड है। अब क्योंकि उसमें लिनक्स इंस्टॉल्ड है, इसलिए क्या है कि यहाँ पर मैं LS PWD ये सारी की सारी चीज़ें जो है रन कर सकता हूँ। अब ये कुछ यूनिक्स के कमांड्स होते हैं, और लिनक्स का मेरे पास एक वीडियो भी है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ वेबसाइट खड़ी करना चाहते हो तो मैं आपको वहाँ पर नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, और मैं जो बता रहा हूँ उन कमांड्स को सिर्फ लिख लो। पहला इंपॉर्टेंट कमांड PWD, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में अभी आप हो। जैसे कि मान लो आप एक कंप्यूटर में होते हो, माई कंप्यूटर खोला आपने, सी ड्राइव खोल दी, डाउनलोड्स खोल दिया, तो आप कहाँ पर हो अभी, वो आपको बताने के लिए PWD आप लिखते हो और आपको पता चल जाएगा। तो मैं अभी स्लैश रूट में हूँ, यानी कि मेरी जो सी ड्राइव है, स्लैश का कुछ सी टाइप से समझ लो आप, मैं अपने रूट के स्लैश रूट वाले फोल्डर में हूँ। अगर मैं CD करके स्लैश कर दूँ तो मैं कहाँ पर आ गया? अभी मैं स्लैश में आ गया, यानी कि अपने कंप्यूटर के एकदम होम पे आ गया। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि आपका माई कंप्यूटर जो होता है उसमें, मैं LS करूँगा तो मुझे वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो कि मेरे माई कंप्यूटर में है। तो मैं बस एक एनालॉजी ले रहा हूँ विंडोज़ और लिनक्स की। अगर आप लोग लिनक्स से आप लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं तो मुझे ये सब बातें आपको शायद नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने कभी लिनक्स यूज़ नहीं किया होगा और ये सब वो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा CD स्लैश आप लोग करोगे और उसके बाद LS लिखोगे तो यहाँ पर बिन, होम, ये सब चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं, ये आपके कंप्यूटर में फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इन फोल्डर्स में घुस सकते हो। अब मैं अगर CD होम कर दूँ, अब देखो मैंने स्लैश होम नहीं लिखा, मैं CD होम जब लिखता हूँ तो मेरे कहने का ये मतलब है जहाँ पर मैं हूँ वहाँ का होम फोल्डर खोल दो, ठीक है। तो ये कहेगा ठीक है जी, जहाँ पर तुम हो वहाँ का होम फोल्डर खोल देते हैं। तो जहाँ पे मैं था वहाँ का उसने इस पर डबल क्लिक कर दिया, ऐसे विंडोज़ में डबल क्लिक करने जैसा समझ लो कुछ, उसने डबल क्लिक कर दिया और मैं होम में चला गया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, एक बार मैं होम में चला गया तो मैं यहाँ पर, अब मैं कहाँ आ गया, अब मैं होम में आ चुका हूँ। अब मैं अगर LS करूँगा तो मुझे होम के अंदर की फाइल्स दिखेंगी। तो अब मैं मान लो जाना चाहता हूँ एकदम रूट में, तो मैं CD लिखूंगा तो मैं कहूँगा स्लैश, स्लैश मतलब मेरे माई कंप्यूटर में ले जाओ मुझे, यानी कि मेरे होम में ले जाओ, मेरी रूट में ले जाओ, उसको रूट बोलते हैं लिनक्स की भाषा में। तो मैं रूट में जाना चाहता हूँ, और अगर मैं स्लैश होम लिखता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं रूट के अंदर जो होम फोल्डर बना हुआ है उसमें घुसना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा तो भी क्या आ जाएगा, मैं इसी होम में घुस जाऊँगा, यानी कि रूट से होम में। अगर मैं सिर्फ CD होम लिखता हूँ तो ये कहेगा कि यार यहाँ से होम कुछ नहीं है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। LS करके देख लो चाहो तो, यानी कि इसके लिस्ट करके देख लो सारे के सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स, आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। तो LS क्या करता है कि जहाँ पर आप हो उसके फाइल्स वगैरह लिस्ट करके देता है। CD क्या करता है, आपको लेकर जाता है कहीं पर। अगर आपने CD हैरी लिख दिया तो ये लेकर जाएगा आपको यहाँ से हैरी फोल्डर के अंदर, अब क्योंकि यहाँ पर कोई हैरी फोल्डर है ही नहीं तो वो भी बेचारा क्या करे, एरर थ्रो करता है, कहता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सो आई होप कि ये तो समझ में सबको आ गया होगा। तो मैं सबसे पहले CD स्लैश करूँगा और LS करूँगा। CD स्लैश से मैं अपने कंप्यूटर की रूट में चला जाऊँगा, LS करके मैं इसके सारे कंटेंट को लिस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे कंटेंट इसके लिस्ट हो गए, इसमें हमारा बिन है, होम है, lib64 है, ये सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, वेयर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है सिर्फ अपनी वेबसाइट को सर्व करने के लिए, तो मैं अपना फोकस पूरा वहाँ पर रखूँगा। हालांकि सर्वर को आप कुछ भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो उन्हें कोई कंप्यूटेशन वगैरह करनी है तो इस पर लगा के छोड़ देते हैं और आराम से बंद कर देते हैं, इसको सो जाते हैं। अब अगर मैंने इसको यहाँ से बंद भी कर दिया ना तो इसके अंदर जो प्रोसेसेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो प्रोसेस भी एग्जिट हो जाएंगे अनटिल अनलेस मेरे टर्मिनल से वो प्रोसेस अटैच नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ कि एक सर्वर रन कर सकता हूँ और वो सर्वर क्या रहेगा, चलता ही रहेगा, वो सर्वर चलता ही रहेगा हमेशा के लिए, और मेरे यूज़र्स को फाइल सर्व करता ही रहेगा। और अगर मैं अपने डोमेन से कनेक्ट कर दूँ इस वेबसाइट को, सॉरी इस सर्वर को, तो मेरा डोमेन पे कोई जाएगा, अगर जैसे कि godwithhari.com पे कोई जाएगा तो उसको इस सर्वर में सेंड किया जा सकता है, और ये सर्वर जो है उस हिसाब से फाइल्स को सर्व करेगा, HTML CSS JavaScript, HTML CSS JavaScript, HTML CSS JavaScript। तो मैं यहाँ से आराम से जो है यूज़ कर सकता हूँ इस सर्वर को अपनी वेबसाइट को सर्व करने के लिए।
अब कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने जेंगो में वेबसाइट बनाई है, या नोड जेएस में वेबसाइट बनाई है, या पाइथन फ्लास्क में वेबसाइट बनाई है, या एंगुलर में बनाई है, या फिर व्यू जेएस में बनाई है, सब चीज़ें जो है काफ़ी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो होस्टिंग में भी जो ये जेंगो नोड जेएस इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, हालांकि जो बेसिक फंडा है वो सबका सेम रहता है कि फाइल सर्व करेगा सर्वर, HTML CSS JavaScript भेजेगा कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी अभी तक, सर्वर सबका बन गया होगा, सब लोगों ने कंप्यूटर में आ गए होंगे, CD कमांड बताया, LS बताया मैंने, PWD बताया। PWD से पता चलता है कहाँ पर हो आप, तो अगर मैं यहाँ पर PWD लिखूँ तो ये बता रहा है आप रूट में हो, LS करूँ तो यहाँ पर कौन से फोल्डर्स हैं वो आ गए, CD वायर कर दूँ तो मैं LS करूँ वायर वाले फोल्डर में आ गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। CD डॉट डॉट स्लैश करके मैं एक कदम पीछे जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी लिख लो आप, जैसे मैं स्लैश वायर में हूँ, मैं स्लैश में जाना चाहता हूँ, तो CD डॉट डॉट स्लैश। अब जैसे मान लो मैं जाता हूँ यहाँ से CD वायर, और उसके बाद स्लैश वायर के अंदर मान लो मैं जाना चाहता हूँ TMP के अंदर, स्लैश TMP लिखा मैंने, तो LS करा यहाँ पे, तो TMP के अंदर जो चीज़ थी वो। अब मैं एक कदम पीछे जाना चाहता हूँ अगर, तो मैं CD डॉट डॉट स्लैश लिख दूंगा, ये एक कदम पीछे जाने का कमांड है। इसको आप रट लो अभी के लिए अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे पता है रटना अच्छा नहीं होता है, बट कभी कभी रटना अच्छा भी होता है। कब अच्छा होता है रटना? जब आप लोग का फोकस जो है कुछ और हो, और आप लोग एक बिगिनर हैं, और बिल्कुल भी टाइम आप लोग समझने में नहीं दे सकते। देखो अभी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, हमने वेबसाइट होस्टिंग करी है। CD डॉट डॉट स्लैश क्या है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश से ये होता है कि आप लोग कहते हैं यहाँ से एक कदम पीछे, ठीक है। डॉट स्लैश का मतलब होता है यहाँ से, डॉट डॉट स्लैश का मतलब है यहाँ से एक कदम पीछे। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है, बस इसमें रट लो कह लो, समझ लो कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कदम मैं पीछे आ गया। अब एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, LS करूँगा तो मुझे वायर के कंटेंट मिलेंगे, राइट और रॉन्ग, राइट। अब मान लो मुझे बैकअप्स टाइप करना है पूरा, मैं बैकअप्स के अंदर घुसना चाहता हूँ, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है CD बैकअप्स में कर सकता हूँ। एक दूसरा ऑप्शन, अगर मैं बहुत फास्ट टाइपर हूँ और मैं बहुत जल्दी से चीज़ों को रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर CD B। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या B से यहाँ पर कुछ और है? बैकअप से है सिर्फ, कोई और फोल्डर है B से? तो इसमें एक ऑटो कम्प्लीट फंक्शनैलिटी होती है लिनक्स में, अगर आप टैब दबाओगे ना, जैसे टैब दबाओगे तो ये ऑटो कम्प्लीट कर देगा, तो आप लोग यहाँ पर ऑटो कम्प्लीट कर सकते हो उसको। अगर मैं C दबा के टैब दबाऊँगा तो C में कन्फ्यूज़ हो जाएगा, एक कैश है क्रैश है, टैब दबाऊँगा तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं CR करके टैब दबाऊंगा तो क्रैश का ऑटो कंप्लीट कर देगा, क्योंकि CR से और कुछ और चीज़ नहीं है, देख लो आप, ठीक है। तो CR करके टैब किया, अगर मैं C दबा के डबल टैब दबाऊंगा तो ये मुझे सारी पॉसिबिलिटीज़ बता देगा कि भाई देखो कैश भी है, C थे क्रैश भी है, कौन सा चाहिए तुमको, तो मैं CR करके टैब दबा लूँगा फिर, और क्रैश के अंदर चला जाऊँगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। CD स्लैश करके वापस से मैं आ जाऊँगा अपने होम में, LS करके फाइल्स को लिस्ट कर दूंगा। अब एक सजेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी इसकी फाइल्स के साथ आप ये मत सोचना कि कुछ भी डिलीट कर सकते हो आप। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स हैं, जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं उससे रिलेटेड फाइल्स हैं। तो ये Ubuntu OS है, और आप लोग जो है अभी सिर्फ इतने कमांड्स को लिखो एक पेपर पे और समझने की कोशिश करो जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि यही आपके होस्टिंग में काम आने वाले हैं कमांड्स। हम लोग घुस चुके हैं यहाँ पर एक सर्वर के अंदर। अब अगर आप लोग चाहो तो SSH कर सकते हो PowerShell से भी। सो गाइस, मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, PowerShell खोलूँगा और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और मैं अपना ये जो मेरी IP एड्रेस है इसको कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा SSH और इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर येस लिखूँगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या कनेक्ट करना चाहते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यूज़र जो है इसने मेरा डिफ़ॉल्ट ले लिया, तो मैं यहाँ पर Ctrl+C से कैंसिल करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा मेरा root@, यानी कि यूज़र का नाम जिस यूज़र से आपका अकाउंट है। बाय डिफ़ॉल्ट DigitalOcean आपका बनाता है रूट से अकाउंट, तो आप कह रहे हो कि रूट यूज़र को लॉगिन करा दो इस सर्वर में, रूट यूज़र को लॉगिन करा दो इस सर्वर में। एंटर मारोगे पासवर्ड पूछेगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पासवर्ड एंटर कर दूँगा, और ये कह रहा है कि स्वागत है आपका Ubuntu सर्व साइट में। तो मैंने यहाँ पर इससे कनेक्ट कर लिया। अब मैं वही चीज़ कर सकता हूँ जो कि मैंने करी यहाँ पर, पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो डायरेक्टली PowerShell से भी आप क्विकली अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पट्टी को इंस्टॉल करने के अपने फ़ायदे हैं। पट्टी को इंस्टॉल करने का एक फ़ायदा तो ये है कि आप पेजेंट यूज़ कर सकते हो, पी एजेंट बोलते हैं उसको, और वो क्या करता है, कीज़ वगैरह आपकी सेव करके आपको लॉगिन करा सकता है कीज़ से। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा उस डिटेल में, लेकिन बस मैं आप लोगों को यहाँ पर ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पट्टी एकदम बेकार है। और कुछ टाइम पहले तक क्या होता था, PowerShell और जब विंडोज़ की कमांड लाइन थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, और वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो पाता था, तो इसलिए विंडोज़ में टर्मिनल का कॉन्सेप्ट जो है, जब विंडोज़ बना था स्टार्टिंग में, तो विंडोज़ में टर्मिनल का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। और विंडोज़ की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही थी कि यूज़र को विंडोज़
अगर जो यूज़र है विंडोज़ यूज़ कर रहा है तो उसको टर्मिनल दिखाकर उसको एज्यूम मत करो कि वो एक कोडर है। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया टाइम के साथ कि यार प्रोग्रामर्स की जो है इस दुनिया में कमी है नहीं, और बढ़ते चले जा रहे हैं प्रोग्रामर्स, और ये लोग मांग रहे हैं इस तरह के फीचर्स। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो फीचर था ये डाल दिया, और अब पावर शेल की मदद से आप लोग यूज़ कर सकते हो, SSH कर सकते हो, मशीन में घुस सकते हो और बहुत चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ आपको बताना चाहता था कि अगर आप लोग इस तरह से SSH यूज़र एट द रेट ऑफ ये डालोगे IP एड्रेस और फिर पासवर्ड डालोगे तो आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि इतना काफ़ी रहेगा इस वीडियो के लिए। और आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी तो उसको जल्दी से एक्सेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों को बताई हुई हैं। एक एक चीज़ यहाँ पर जो कि आप लोगों को एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए वो मैंने बताई हुई है स्टार्टिंग से। तो अगर आप लोग इसको शुरू से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, बहुत ही आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। मैंने एकदम बिगिनर पेस पे इस पूरी सीरीज़ को बनाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखें वीडियोस को शुरू से। HTML, CSS, JavaScript और फिर बैक एंड, फिर उसके बाद MongoDB डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है, फिर धमाकेदार कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे इस तरह के, वो सब चीज़ों के साथ मैंने इस कोर्स को बनाया है। आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स पसंद आएगा। ज़रूर से इसको बुकमार्क करना, सेव करना और इस वीडियो को लाइक करना है बिल्कुल मत भूलना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।